अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जरूर तुम्हारा कोई नाटक है हमें फंसाने के लिए। ये सच हम जानते हैं, तुम्हारा हमारे ऊपर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है और उसकी वजह भी हम ही है। पर सच कहें, क्यों हमारा दिल तुम्हें यहां से जाते देखकर जोर से धड़कने लगा। हमें नहीं पता क्यों, पर हम तुम्हें यहां से जाते हुए नहीं देख पा रहे। हमारी गलतियों के लिए, हमारा गुस्सा करने के लिए, हो सके तो माफ कर दो हमें। काहे चित तू ऐसा काहे कर रहे हो? क्योंकि अभी अभी कृष्ण ने हमारे सपने में आकर हमें कहा कि हम जैसे गुस्सेल, जिद्दी, अकड़ू, लंबे दाढ़ी बिखरे बाल जैसे लड़के को सर गोपाला जैसी लड़की संभाल सकती। बताए उसने हमें क्या कहा कि हम उसके दिल, जिस लड़की के अंदर उसका दिल है ना, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। और सच्ची तो कहा उसने, तुम्हारे अंदर उसका दिल है, हमारे लिए तो तुम ही हमारी कृष्णा होगी ना। हम तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करते हैं जीत, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम हमसे इसलिए प्यार करो क्योंकि हमारे अंदर कृष्णा का दिल है। अगर तुम्हें हमसे प्यार है तो हमारा गोपाला होने के कारण होना चाहिए। ये तो मुमकिन नहीं है ना, इसमें
हमरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है जी। हमारी बात सुनो कपिल, हम जानते हैं तुम जो बोल रही हो बिल्कुल सही है। हमने तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, पर जो हमारे मन के अंदर असमंजस चल रही है ना, हमें कुछ समझ नहीं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहां रुक जाओ ताकि हम समझ पाए कि असल में हमारा मन आखिर चाहता क्या है। उस रिश्ते को एक और मौका दे दो, और तुम ही तो कहती हो ना कि हमें भोलेनाथ ने मिलवाया है। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे रिश्ते को एक और मौका मिल सकता है तो हमारे पास आ जाओ, वरना तो चाहे तो तुम यहां से वैसे भी रह जाओ। पहले भी कृष्णा की वजह से मिले और आज भी कृष्णा की वजह से एक हो गए। हमारे जीत की रक्षा करना, दुर्गा और नए बर्तन मंगाने हैं कि ये ठीक है? तेरी दुकान खोलेगी का? सही है एकदम, बिल्कुल बढ़िया। माँ हाँ, सारे बर्तन आप लोगों ने देख लिए ना? हाँ। कुछ और तो नहीं मंगाने? नहीं। तो हम दुकान वाले को बुलवा लेते हैं और सब बर्तनों पे हर साल की तरह आपका नाम लिखवा लेते हैं। बराबर। किसने दिया ये हिम्मत? तुम्हारी असली सूरत पसंद नहीं आई तुम्हें? वो क्या है ना, तुम्हारी पहली भूली सूरत देखकर हम धोखा खा गए थे, इश्क कर बैठे तुमसे, पर अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारी असली सूरत जो है ना, उसके पोस्टर बनवाकर हमने इस दीवार पर चिपका दिए ताकि समय समय पर याद करते रहें तुम्हारी असलियत। सुकान जी, हमारी बात सुनिए, सुकान बात तो सुनिए हमारी, भाड़ में चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है करे तो करे क्या। ये मजनू अगर हमारी प्रेगनेंसी की छूट वाली बात को भूल नहीं पाया तो फिर घर वाले कैसे भूल पाएंगे? अब हमें इस मुश्किल से ना वही शख्स निकाल सकता है जिसने हमें इस मुश्किल में डाला है। गोपाला, हम कुछ ऐसा करेंगे ना गोपाला के सारे घर वाले तुमसे इतनी नफरत करेंगे कि हमारे हिस्से का सारा गुस्सा, सारी नफरत, सारी फटकार, सब कुछ तुम्हारे हिस्से आएगा। हर साल का यही रिवाज है हमारे घर में, हर धनतेरस को नए बर्तन आते हैं और छोटे से लेकर बड़े तक सभी बर्तनों पर हमारी माँ का नाम लिखवाया जाता है। जब से हम इस घर में आए हैं ये प्रथा देखते आए हैं, और इस घर की बहुओं के नाम मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। ये बर्तन आने वाली बहुओं को रसोई के गुण बताते हैं। बहुत ही अच्छी प्रथा है ये,
ऐसा करने से हम अपनों को अपने बीच हमेशा बनाए रखते हैं। ये नाम ध्यान से सारे बर्तनों पे लिखते रहा। देखो भाई, हमें पता है कि तुम अनपढ़ हो, पर एक एक अक्षर बराबर से लिखना इस बर्तनों पे, नहीं तो एक भी अक्षर इधर उधर हुआ ना तो तुम्हारी जिंदगी इधर उधर कर देंगे हम। अरे माँ, आप घबराइए मत, ये अनपढ़ जरूर है लेकिन हम जो भी लिख के देंगे ना, ये हूबहू वही लिख देगा। ठीक है, बहुत निभाली परंपराएं, अब वक्त है परंपरा तोड़ने का। अब देखना गोपाला, इस बार ऐसा दाव खेलेंगे कि तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। खैर चाहे जो भी हो, एक चीज तो अच्छी है, अगर घर वाले इसी तरह उस गोपाला पर नाराज रहे तो हो सकता है कि हमारी तरफ उनकी जो नाराजगी है वो थोड़ी कम हो जाए। अब कुछ ऐसा करेंगे जिससे गोपाला से इतनी नफरत हो जाए सबको कि वो खुद उसे उठाकर इस घर से बाहर फेंक दे। बर्तन भी यहीं रहेंगे और गोपाला भी, समझी मम्मी जी? बुढ़ापे में घुटनों के साथ दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया क्या दादी? गोपाला हमारी पत्नी है और उसके साथ किसी ने भी बदतमीजी की ना तो आज के बाद हमसे बुरा कोई नहीं होगा, उसके बाद हम आपकी उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे। अब्बा जी, इस उंगली पे मत जाइए, जो हमने बोला है उस पर ध्यान दीजिए। आखिर जीत को अचानक से कहा हुआ है ऐसा बर्ताव काहे कर रहा है? जीत तो अपने परिवार की कितना इज्जत करता है, उसने काहे घर वालों के साथ ऐसा बर्ताव किया? जीत को कहा हो गया है? ये आवाज कहां से आ रही? किसी की शरारत तो नहीं? गोपाला के साथ मजाक? हाँ, बताते हैं। या तो कोई भी नहीं है, फिर आवाज कहां से आ रही है? कहीं हमारे कमरे में चूहा तो नहीं घुसा है? हे भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हे भोलेनाथ! या तो कुछ भी नहीं है, कहां है? आवाज आ रही है? कैसे कोई आवाज नहीं आ रही गोपाला, ये हमारे दिल की धड़कनों की आवाज, ये तुम्हारे पास आने से तेज हो जाती है। तुम यकीन नहीं आ रहा तो खुद ही देख लो। रंगरेजा
ये देखो काला टीका, आज बहुत खूबसूरत लग रही है। तो उसे काला टीका लगा देते, कहीं बाहर सबकी नजर न लग जाए। जाओगी ना यार मुझको छोड़कर, तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा ये रूप भी हमें कभी देखने को मिलेगा। हमने तो तुमसे पहले कहा था कि बस एक मौका देके देखो, हम सब ठीक कर देंगे। पर जीत, आज जो तुमने घर वालों के साथ बर्ताव किया ना, वो हमें अच्छा नहीं लगा। तुम तो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो ना, उन्हें बहुत इज्जत देते हो, तो फिर काहे ऐसा किया? तो क्या करते हम? वो सब लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी करते, और तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करी है हमसे बर्दाश्त नहीं, तो हमें जो सही लगा हमने कर दिया। देखो जी, हम जिस जीत को जानते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, इसलिए प्लीज आगे से कुछ भी हो जाए हम लेना, तुम अपने घर वालों से मत लड़ना। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं लड़ेंगे हम किसी से। हम फटाफट तैयार हो जाते हैं, तुम भी आ जाओ, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे होंगे। हम आते हैं। ये हमारे दिल की धड़कनों की आवाज है जो तुम्हारे पास आने से तेज हो जाती है। पर जीत के पास आने जैसे हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगती थी, ऐसा ही कुछ जीत के साथ आज हुआ। पर आज जब जीत मेरे पास आया तो हमारे दिल की धड़कन काहे तेज नहीं हुई? गोपाला, दादी, कैसी है? मेरी छोड़ अपनी सुना, तू कैसी है बेटा? ठीक हूँ दादी। नमस्ते। 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 आइए ना, आप अंदर आइए। हाँ जी, आप चलिए, मैं आती हूँ। प्रणाम दादी। जीते रहो, खुश रहो। काफी सुंदर लग रही हो तुम। दादी आप आइए पूजा के लिए। हम आते हैं, आप चलिए। बेटा मुझे एक बात तो बता, यहाँ सब ठीक तो है ना बेटा? तू खुश तो है ना? हाँ दादी, हम खुश है, बहुत खुश है। हम देख रहे हैं कुछ ही दिनों में मुआजिद काफी करीब आ गए। अब दादी आपसे कैसे कहे, पता नहीं काहे दादी, जब से जीत हमरे करीब सामने से आए हैं ना, हमारा दिल उनके लिए पहले जैसे नहीं धड़कता है। कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है ना? तू बेना गोपाला, जरा जरा सी बात पर डर जाती है। हम तुझे समझाते हैं, पहले जीत ने तुझे अपनाया नहीं था, इसीलिए तेरा दिल धड़क धड़क कर उसे प्यार के गुहार कर रहा था। लेकिन अब जीत तुझसे प्यार करने लगा है, अब तेरे दिल को उससे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए वो शांत हो गया है। आया समझ में? हो सकता है दादी कि आप सही कह रही हैं।
चलिए सब पूजा के लिए आइए। चलिए दादी पूजा में चलते। हर साल की तरह इस बार भी सारे बर्तनों पर मुलक रानी जी का नाम लिखा गया। रघुवेंद्र जी मां, अरे अलावा भला ये काम यहाँ और कौन कर सकता है। हमारे साथ जो किया है ना गोपाला, ना वो हम भूले हैं ना तुम्हें भूलने देंगे। और ये सब देखने के बाद घर वाले ना ही तुम्हें सिर्फ इस घर से बाहर निकालेंगे बल्कि तुमसे इतनी नफरत करने लगेंगे ना कि तुम दोबारा कभी इस घर के अंदर कदम भी नहीं रख पाओगे। किसने लिखा ये? किसने लिखा गोपाला रानी का नाम? तुमने किया है ना ये सब? हमारे घर और जायदाद पर तेरी नजर है ना? ना दादी जी, हमने ये सब नहीं किया। हमें नहीं पता है कि हमारा नाम उस गठन पर कैसे आ गया। किसने लिखा हमको नहीं पता। ये सब क्या है गोपाला? आज तो तुमने हद ही पार कर दी। नहीं माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग विश्वास काहे नहीं कर रहे? झूठ मत बोल। हम अभी बर्तन वाले को फोन करके पूछते हैं कि उसको किसने कहा था कि बर्तन पर इसका नाम लिखे। रुक जाइए बाबूजी, हमें नहीं लगता कि ये सब करने की कोई भी जरूरत है। अदि आप खुद सोचिए, अगर बर्तन पे नाम लिखने वाले को ये सब पता चल गया तो पूरे गाँव में बात फैल जाएगी और हमारी कितनी बदनामी होगी। घर की बदनामी होगी, आपकी बदनामी होगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और रही बात ये किसने किया है, आप सबको क्या लगता है? ये हरकत हमारे घर में जब भला कोई कर सकता है, कोई क्यों गोपाला का नाम लिखवाएगा बर्तनों पर? इसका नाम लिखा है इसका साफ मतलब यही है कि ये हरकत किसी और की नहीं इसी की है। गौरी सही कह रही है, किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी गलती की जो कल इसे हमने घर से बाहर नहीं निकाला, पर आज हम ये अपनी गलती सुधारेंगे और आज के आज इसे अपने घर से बाहर भी निकालेंगे। चलो अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। नहीं दादी, हमारी बात सुन लीजिए, हमने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। चल निकाल, हमारी बात सुनिए दादी प्लीज। रुकिए, हमारी गोपाला कहीं नहीं जाएगी। गोपाला, गोपाला,
माँ, अब ठीक है ना? तुझे चोट लग गई है बिटिया? नहीं नहीं दादी, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, हम ठीक है। पागल हो गया तू? ये क्या किया तूने? कर रहे हो तुम? हमारी तरफ देखो, अगर दादी को चोट लग जाती तो साल से, अरे वो हमारे बड़े बुजुर्ग है, वो हम पे गुस्सा कर सकते हैं, वो बड़े हैं हमसे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि खाल फेंक के मारोगे, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? माँ आप अंदर कमरे में चलिए, बाद में बात करते हैं जीत से। एक मिनट सरस्वती, हमारा जीत ऐसा कर ही नहीं सकता, ये सब इस गोपाला का सिखाया हुआ है। वरना आज तक हमारे जीत ने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये सब क्या हुआ है तुम्हें, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो इंसान इतनी मर्यादा में रहता था, आज भला एक लड़की के लिए वो सारी मर्यादाएं कैसे लांग सकता है? लेकिन तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना जीत, इससे सबसे ज्यादा फायदा हमें ही हो रहा है। गोपाला इस घर से बाहर जाए या ना जाए, मगर घर वाले इस लड़की से नफरत जरूर करने लगेंगे। आखिर क्यों क्यों जीत ऐसे बर्ताव कर रहा है हमें? काहे ये हमारा जीत नहीं लग रहा है? होना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जीत जीत, तुमको हो क्या गया? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं जीत, क्या हो गया है तुम्हें? इतना गुस्सा आने लगा, अब वो भी अपनों पर? अरे दादी तो तुम्हें जान से भी प्यारी है ना, उनके साथ ऐसा बर्ताव तुम कैसे कर सकते हो? कहो क्या तुम्हें? हमें नहीं पता गोपाला हमें क्या हो गया, पर जैसे ही दादी ने तुम्हारा हाथ पकड़ के खींचा ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कोई तुम्हें कुछ कहे, हमें पता नहीं क्या हो जाता, हमें तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हम आगे से नहीं करेंगे, माफ कर दो हमें। माफी हमसे नहीं जी, दादी से मांगनी होगी तुम्हें। कहाँ हुआ जीत? दादी से जाकर जल्दी से माफी मांगो। देखो अगर तुम दादी से जाकर माफी नहीं मांगोगे ना, तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हमें ना तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने सोचा है सब बिल्कुल वैसा ही होगा। सोमवार से रविवार रात 8 बजे दंगल प्ले ऐप पर।